हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारुचरण। वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो आपकी डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसका हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था श्री अरविंदो घोष, तो वो हमारा इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। ये भी छोटा टॉपिक है तो हम जल्दी से कवर कर लेंगे, फिर हम दूसरी यूनिट पर आएंगे। इसके अलावा मैंने एक रेज्यूम वाली वीडियो अपलोड की है, किसी ने नहीं देखी तो देखिए, आपके बहुत काम आएगी, आपके रेज्यूम बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और एक और चीज़ स्पेशली फॉर डीपीएससी स्टूडेंट्स या डाइट डीएलएड जो भी कर रहे हैं ईटीई, उनके लिए है कि आपको इन क्वारंटाइन डेज लॉकडाउन में क्या करना है, क्या फूडफुल करना है, वो वीडियो भी मैंने डाली है, तो वो भी जरूर चेकआउट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरविंदो घोष का जन्म यानी बॉर्न इनका 15 अगस्त 1875 में हुआ। इसके अलावा एक इंडियन फिलोसफर थे, योगी थे यानी जो योगा करते हैं, गुरु थे, पोइट थे और नेशनलिस्ट थे। इन्होंने इंडियन मूवमेंट ज्वाइन की थी इंडिपेंडेंस पाने के लिए ब्रिटिशों से, यानी अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए इन्होंने इंडियन मूवमेंट भी ज्वाइन की थी। फिर ये एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बन गए थे। यहाँ पे क्या हुआ था, बीच में अरेस्ट वगैरह हो गए थे, वो हमें नहीं लिखना। फिर ये बन गए एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर, मीन्स ये कहते थे कि स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करो, ये ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें डिवाइन तक लेकर जाएंगी। उसके बाद पॉन्डिचेरी में इन्होंने एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेवलप करी जिसको ही बोलते थे इंटीग्रल योगा। क्या बोलते थे ये लोग? इंटीग्रल योगा। मैंने अभी बताया कि ये कहते थे कि स्पिरिचुअल चीज़ें जो है या स्पिरिचुअलिज्म है वो आपको डिवाइन तक लेकर जाएगी। ये सब आप एग्जाम में लिखोगे, जरूरी नहीं है कि मैं सारे यहाँ पर नोट डाउन करूँ, जो मैं बोलती हूँ वो भी लिख लिया करो। उसके बाद ये बिलीव करते थे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, मीन्स ये आध्यात्मिक चीज़ों का रियलाइजेशन होना, ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो ये था हमारा पूरा अरविंदो घोष। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कहीं प्रॉब्लम आए प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।